जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आम तौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। प्रधानमंत्री ने ये बात 1 फरवरी को बजट पेश होने से पहले कही थी। देश में चंद हफ्ते बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते उम्मीद की जा रही थी कि मोदी सरकार बजट के जरिए लोक लुभावन वादे करके सियासी समीकरण को साधने का दांव चलेगी, लेकिन वित्त मंत्री की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया गया। चुनावी साल होने के चलते लोगों ने मोदी सरकार से जो आस लगा रखी थी वो अधूरी ही रह गई। वित्त मंत्री ने भी 24 में चुनाव जीतकर जुलाई में पूर्ण बजट पेश करने का दावा कर दिया। इन द फुल बजट इन जुलाई ऑनरेबल स्पीकर आवर गवर्नमेंट विल प्रेजेंट अ डिटेल्ड रोड मैप फॉर आवर परस्यूट। वी एक्सपेक्ट दैट आवर गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इट्स स्टुपेंडस वर्क will be blessed again by the people with a resounding mandate. The next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments. Lok Sabha chunav ko lekar ummeed thi ki vitt mantri bada dhamaka karengi, lekin aisa kuch nahi hua. Vitt mantri Nirmala Sitaraman ne apna chhatha budget pesh karte hue chauka diya, kyunki ye unka ab tak ka sabse chhota budget bhashan tha. साफ है कि सरकार आत्मविश्वास से भरी हुई है, लेकिन सवाल बरकरार है। मसलन, क्या वाकई बीजेपी लोकसभा चुनाव में इतिहास रचने वाली है? बीजेपी 400 प्लस सीट जीतना क्यों कंफर्म मान रही है? 2024 में रिकॉर्ड तोड़ जीत को लेकर पीएम मोदी क्यों कॉन्फिडेंट हैं? वो वोटर कौन है जो नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जनादेश देकर तीसरी बार देश की सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान करवा सकते हैं? जानना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की उस बात को गौर से सुनिए जिसका जिक्र वो कई बार कर चुके हैं। कल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। जी हाँ, ये गारंटी ही है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, जिसने पिछले कुछ वक्त के दौरान बीजेपी के लिए बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है। जानना चाहते हैं कैसे, तो 10 साल पहले से शुरू करते हैं। 2 अक्टूबर 2014, प्रधानमंत्री बनने के 5 महीने बाद देश में हर घर शौचालय स्कीम की शुरुआत की गई। मोदी सरकार की ये पहली महत्वाकांक्षी योजना थी जिसने आम आदमी की जिंदगी बदलने में अहम रोल निभाया। इसके बाद जनधन योजना, आदर्श ग्राम योजना, स्टार्टअप इंडिया, ग्राम ज्योति योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, अटल पेंशन योजना और पीएम आवास योजना जैसी तमाम स्कीमें लागू की गई। इन योजनाओं के जरिए समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को साधा गया जो अब बीजेपी का सबसे विश्वसनीय वोटर माना जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ 31 लाख शौचालय बनाए जा चुके हैं। पीएम जनधन योजना के अंतर्गत 50 करोड़ 56 लाख लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। उजाला योजना के तहत 40 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब बांटे जा चुके हैं। मुद्रा योजना में 34 करोड़ 93 लाख लोगों को लोन मिल चुका है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 34 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमा लिया। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ 94 लाख से ज्यादा घर बने। पीएम उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों को गैस के नए कनेक्शन मिले। अटल योजना में 5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हो चुके हैं। इसके अलावा 10 साल के दौरान सरकार ने आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की। इन्हीं में केंद्र की मुफ्त राशन योजना भी है जिसे हाल ही में 2028 तक बढ़ा दिया गया है। फ्री राशन स्कीम से देश की 80 करोड़ आबादी सीधे तौर पर जुड़ी है।